हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार, आप तमाम व्यूवर्स का इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ मी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइलेंट पीपर और देखेंगे कि पी किस वर्ड्स में, किस कंडीशन में साइलेंट होता है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग इस लेसन को स्टार्ट अप करते हैं। जब शब्दों का शुरुआत पी एन से हो, जब शब्दों का शुरुआत पी एन से हो, तब पी साइलेंट होता है। इस वर्ड में पी एन कंबाइंड है, ग्रुप्ड है, इसलिए पी इसमें साइलेंट होगा। इसे पी निमोनिया न पढ़ करके न्यूमोनिया पढ़ेंगे। न्यूमोनिया, इट इज ए टाइप ऑफ अ डिजीज, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। नेक्स्ट, जब शब्दों का प्रारंभ पी एस से हो, जब शब्दों का प्रारंभ पी एस से हो, तो इस कंडीशन में भी पी साइलेंट होता है। तो इसे हम पसाल्प या साल्प नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे शाम। चूंकि पी एस का कॉम्बिनेशन है तो पी साइलेंट हो गया, और हम साइलेंट एम के वीडियो में बनाए थे कि एल किस कंडीशन में साइलेंट होता है, तो उसमें हम बताए थे कि एल एम का जब कॉम्बिनेशन होता है तो एल साइलेंट रहता है। तो इसमें दो लेटर साइलेंट है, पी और एल, तो बच गया आपके पास एस ए एम। तो इसे पढ़ेंगे हम शाम, मीन्स कीर्तन भजन। नेक्स्ट, उसी तरह है, यहाँ पर है साइकोलॉजी, पी साइलेंट है यहाँ पर, चूंकि इसके बाद एस है, इसे पढ़ेंगे हम साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। उसी तरह साइकोलॉजिस्ट मीन्स मनोचिकित्सक। उसके बाद साइको, इसे पढ़ेंगे साइको, पी एस है इसलिए साइको। साइको आप जानते होंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट के विषय में, मनोविज्ञान परीक्षण के विषय में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का शॉर्ट फॉर्म साइकोटेस्ट भी कहा जाता है। साइकोलॉजिकल का शॉर्ट फॉर्म या साइकोपैथ का शॉर्ट फॉर्म होता है साइको। अब यहाँ भी पी एस का कॉम्बिनेशन है, इसे पढ़ेंगे साइक, पी साइलेंट करके देखिए, यहाँ से यहाँ तक उच्चारण करिए साइक। साइक में होता है चित्त, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसका साइक खराब है, इसका साइक ठीक नहीं है, मीन्स इसका बिहेवियर ठीक नहीं है, इसका जो मनी ट्रांजेक्शन का जो प्रक्रिया है वह आपसी लेन देन ठीक नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं इसका साइक ठीक नहीं है, इसे पढ़ेंगे हम साइक। और यहाँ भी देखिए, इसे पढ़ेंगे स्यूडोनिम, मीन्स होता है कृत्रिम नाम। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा होता है कि फिल्म जो स्टार्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, वह अपना वास्तविक नेम को गुप्त रख करके और एक कृत्रिम नाम से वह कविताएं लिखते हैं या कुछ लेखनी अपना लिखते हैं या फिल्म बनाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्यूडोनिम। जैसे ओ हेनरी एक स्यूडोनिम है, और इसके नाम से जो राइटर लिखे हैं अपना लेखनी, उसका नाम है विलियम सिडनी पॉटर, अर्थात विलियम सिडनी पॉटर का स्यूडोनिम है ओ हेनरी, अर्थात ओलिवर हेनरी। उसी तरह अल्फा ऑफ द प्लाव, एजी गार्डिनर को, या एजी गार्डिनर का कृत्रिम नाम, उपनाम अल्फा ऑफ द प्लाव है। इसी नाम से उसका हरेक राइटिंग्स पब्लिश हुआ है। उसके बाद जैसे बात करते हैं एच डी एक कृत्रिम नाम है हिल्डा डुलिटिल का। तो यहाँ पर स्यूडोनिम, आप समझ गए होंगे स्यूडोनिम। अब
एक वर्ड और है यहाँ पर, पीएस इसमें भी है, लेकिन अंतर क्या है कि पीएस जो है शब्द के अंत में आया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन पी होगा, अर्थात इसे हम पढ़ेंगे क्रिस्प्स, 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 स्प्स। अब इन शब्दों को देखिए, इसमें पी 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 साइलेंट है, सूत्र है, फॉर्मूला है कि जब पी बी या पी टी, पी बी या पी टी एक साथ हो तो पी साइलेंट रहता है, तो इसे पढ़ेंगे हम कपबोर्ड न पढ़ करके कवर्ड, कवर्ड। उसी तरह इसे रेस्पबेरी न पढ़ करके इसे पढ़ेंगे रेस्पबेरी, रेस्पबेरी, रेस्पबेरी। उसी तरह इसे रिसीप्ट न पढ़ करके इसे पढ़ेंगे रिशीट, रिशीट, रिशीट मीन्स होता है रशीद, और कबर्ड मीन्स होता है अलमारी, रेस्पबेरी मीन्स होता है रसभरी, इट इज ए काइंड ऑफ फ्रूट। अब इसमें हम पढ़े थे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, तो यहाँ पर सी एच का उच्चारण जो है वह क किए थे, तो सी एच के कितने उच्चारण होते हैं वह भी मैं आज डिस्कस करूँगा कि सी एच का कौन कौन सा उच्चारण प्रचलित है या बोला जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे पी बराबर एफ, अर्थात पी एफ, सॉरी पी एच को फ की तरह पढ़ा जाता है, जैसे इन तमाम शब्दों में पी एच है और पी एच को हम फ कहेंगे, जैसे फिजिक्स, ग्राफ, स्पेयर, सॉरी स्पेयर, नेफ्यू, फैंटम, फैंटम, फैंटम। विलियम वर्ड्सवर्थ का एक कविता है ए फैंटम ऑफ डिलाइट, वो बहुत ही फार एक्सीलेंस है और एवरलास्टिंग क्रिएशन है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ए फैंटम ऑफ डिलाइट, अगर मौका मिलता है तो इस कविता को आप जरूर पढ़ें, फैंटम। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, पैराग्राफ, पैराग्राफ, अल्फाबेट, अल्फाबेट, टेलीफोन, माइक्रोफोन। यहाँ पर पी एच, पी एच सभी शब्दों में पी एच है, और जब पी एच रहता है तो यहाँ पर एफ का उच्चारण देता है। अब चलते हैं सी एच का तीन जो उच्चारण होते हैं उस पर, सी एच का तीन उच्चारण होता है, एक च, एक क, एक तालव्य श। साधारणतः सी एच का च ही उच्चारण होता है, बहुत ही ज़्यादा सी एच का उच्चारण च के सेंस में होता है, लेकिन क का भी होता है और तालव्य श का भी उच्चारण सी एच से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं सी एच, जो ब्रिटिश इंग्लिश है, ब्रिटिश वर्ड है, तो उसमें सी एच इक्वल टू च है, जैसे रिच, पिंच, अटैच, डिटैच, चर्च, स्पीच, चैप्टर, चेयर, इंच। रिच, पिंच, अटैच, डिटैच, चर्च, स्पीच, चैप्टर, चेयर, इंच। जो फ्रांसीसी शब्द हैं, अर्थात जो फ्रांस देश से आए हैं वर्ड, उसे हम क के उच्चारण करके पढ़ते हैं, जैसे इसे पढ़ेंगे हम कैरेक्टर, कैरेक्टर, यानी यहाँ पर सी एच इक्वल टू के, कैरेक्टर, केमिकल, टेक्निकल, इको, अमेरिकन में इसे एको बोला जाता है, एको, और ब्रिटिश इंग्लिश में इको, स्कॉलर, स्टमक, स्टमक, ऑर्केस्ट्रा, बाघ वृंद, ऑर्केस्ट्रा। आजकल तो दो ही चीज़ प्रचलित है, एक ऑर्केस्ट्रा और एक डीजे, जो गरीब तबके का है डीजे, और जो हाई स्टैंडर्ड का है वो ऑर्केस्ट्रा समारोह में करते हैं। क्रिसमस, क्रिसमस, एक, एक मीन्स दर्द, जैसे हेड एक मतलब सिर दर्द, जैसे स्टमक एक पेट दर्द, एक।
स्कीम मीन्स योजना, स्कीम, और chaos, chaos, chaos. तो इन तमाम शब्दों में आप देखें कि ch का उच्चारण क होता है. अब जो शब्द इटली से आया है या यूनान से आया है तो उसमें सी एच का उच्चारण श, तालव्य श होता है. तो ये सभी शब्द यूनानी या इटालियन भाषा से आए हैं और सबों में सी एच का उच्चारण तालव्य श होगा. तालव्य श, यहाँ पर देखिए शैम्पेन, शैम्पेन एक प्रकार का मदिरा होता है. शैम्पेन, शैम्पेन. नेक्स्ट गोश, गोश मीन्स होता है भद्दा या फूहड़. निश मीन्स ताखा, ताखा. हम लोग प्रायः कहते हैं कि ताखा पर दिमाग है, ध्यान है. ताखा जहाँ पर दीप रखा जाता है या डिबिया रखा जाता है या लालटेन वगैरह रखा जाता है, जो दीवारों में बना हुआ होता है, दीवारों में खोद करके बनाया जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग निश, निश. उसके बाद क्लिशे, क्लिशे. क्लिशे मीन्स होता है घिसी पिटी उक्ति स्टेटमेंट या जीर्ण शीर्ण या पुराना स्टेटमेंट, कथन. क्लिशे. मशीन, मशीन. ब्रॉशर, ब्रॉशर. ब्रॉशर मीन्स होता है विवरणिका या विवरण, पुस्तिका. इसे पढ़ते हैं शेफ, शेफ, प्रधान रसोईया. शोफर, इसे पढ़ते हैं शोफर, शोफर. निजी कार चालक, निजी कार चालक, जो अपना गाड़ी स्वयं चलाता है ड्राइवर के रूप में, उसे हम लोग बोलते हैं शोफर. और ये ज़्यादा अमेरिका में प्रचलित हैं, शोफर. उसके बाद शैंडलियर, शैंडलियर. करियों का झार फानुष, जो सीलिंग से लगा हुआ होता है, उसमें बल्ब जो है सेट रहता है, जिसे हम दीप शिखा भी कहते हैं या दीप वृक्ष भी कहते हैं. सीलिंग से इसका कनेक्शन रहता है, इसे कहते हैं शैंडलियर, शैंडलियर. और एक लास्ट है एवलेंस, एवलेंस मीन्स होता है हिमस्खलन, हिमस्खलन. पहाड़ों पर से पिघलता हुआ बर्फ का ढेर, वह एवलेंस कहलाता है, हिमस्खलन कहलाता है. तो आप देख लिए इन तमाम सी एच के उच्चारणों को. सी एच का मेनली तीन उच्चारण होता है, एक क, एक च और एक तालव्य श. तो इन सभी शब्दों को आप देखें, इसका बार बार उच्चारण करने का प्रयास करें. चूंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रश्री आवत जात है सिल पर परत निशान. और एक इंग्लिश में भी कहावत है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, अर्थात जो व्यक्ति स्लो हैं परंतु स्टडी रहते हैं वह अंततः विन जरूर करते हैं, कोई भी लक्ष्य जरूर हासिल करते हैं. तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेता हूँ. धन्यवाद. And no one ever would have dared to tread on you.